आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बैतूल जिले में लंबे समय से गन्ना उत्पादक किसान गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि उन्हें देश के अन्य राज्यों की तरह 350 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक दाम दिए जाएं और मध्य प्रदेश में गन्ना को अधिसूचित करने की मांग को लेकर किसान आज हाथों में गन्ना लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। किसानों ने बिजली को लेकर भी कलेक्टर से मांगी है। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली रात में दी जा रही है, जिससे सिंचाई करने में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि उन्हें पूर्व में दिन के शेड्यूल में दी जाने वाली बिजली शेड्यूल लागू किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही गन्ने के दाम और बिजली का शेड्यूल नहीं बदला गया तो आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान राजधानी भोपाल पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बैतूल से स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। राजेश वर्मा, राजेश जी बताए क्या मांग रही है आपकी? क्या जो अदर स्टेट में गन्ने के जो मूल्य है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उसकी तुलना में हमारा रेट नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि उसी तुलना में सरकार हमारे को बोनस दे, समर्थन मूल्य दे 350 रुपये। और बिजली की मांग है जो दिन में दे। अब रात में हमारे को बोलते किसान को तो पानी बोल, ये क्यों नहीं ऑफिस लगाते अपना? रात में क्यों नहीं जाते ये ऑफिस में? बिजली सुधारने जाते क्या रात में? यदि रात में फेस चला जाए, रात में जाते कोई? कितना अंतर है गन्ने के रेट में अन्य राज्यों से? अरे गन्ने के अंदर यार 60 है, गन्ने 70 है, 80 है मध्य प्रदेश के अलावा। रमेश हजारे, मलकापुर। रमेश जी बताएं क्या समस्या आ रही है और किस मांग को लेकर आप यहां? हम इसलिए आए हैं कि हमको गन्ने का जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है अन्य राज्यों में, हम सोचे कि मध्य प्रदेश में भी वो गन्ने का मूल्य हमें मिले। 350 रुपये की हमारी मांग है, वो मिले। और हमारा जो बिजली का शेड्यूल है अभी जो सरकार ने बदल दिया है 5 बजे देरी, किसान 5 बजे खेत जाएगा या घर आएगा, तो हमारा शेड्यूल यथावत रखा जाए और दिन में रखा जैसा पहले चलता था, ये हमारी मांगे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या रुक रहे हैं? मांग पूरी नहीं तो भोपाल जाएंगे।